हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बड़े अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ लेक्चर, और यहाँ मैं आपको कवर कराने वाला हूँ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, और साथ में मैनेजमेंट क्या आर्ट है, या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, इसके बारे में। अगर आप ढूंढ रहे हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, या आप ढूंढ रहे हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। साथ में इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तीन लेक्चर जो इससे पहले हम कंडक्ट करा चुके हैं वो नहीं देखे हैं, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर क्लिक करके वो वीडियो देख के आइएगा, क्योंकि सिक्वेंशियल तरीके से चलेंगे तो लर्निंग थोड़ी ईज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये कुछ क्वेश्चन बेटा जी आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पे, आपको इनके आंसर करके मुझे भेजने हैं। ये पहले के तीन लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इनके आंसर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे चुका हूं। अगर नहीं मिला है आपको तो थोड़ा सा R&D आप कीजिए, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं। आप जो मैनेजमेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को रखा है, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो बेटा जी, एक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा बेटा जी एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल के बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एंड उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो आप तीन ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं मैनेजमेंट के, और मैनेजमेंट को तीनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होता है। मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना है, मैनेजमेंट को अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना है, एज वेल एज मैनेजमेंट को अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट को पूरे करने होते हैं। क्या है ये ऑब्जेक्टिव, चलिए चर्चा करते हैं डिटेल में, आगे बढ़ जाते हैं कि कौन कौन से ये ऑब्जेक्टिव हैं। शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, कि मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो बेटा जी, मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का होता है सर्वाइवल। ठीक है, हमने इतने महंगे महंगे प्रोफेशनल आदमी या मैनेजर्स को रखा हुआ है, तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भैया वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल तय करें। सर्वाइवल आपको दिखाई दे रही है ये बोट, ये आदमी इस बोट में बैठ के आराम से घूम रहा है, दैट मींस इसका सर्वाइवल हो रहा है, ये आराम से चल रहा है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट को सबसे पहले ये तय करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी स्मूथली चलती रहे, दैट इज सर्वाइवल। तो टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनाफ रिवेन्यूज टू कवर कॉस्ट बाई रिड्यूसिंग वेस्टेज। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को यह तय करना है कि कम से कम उसका सर्वाइवल तो हो जाए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट सबसे पहले ये तय करे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाए, BEP पर पहुंच जाए। BEP का मतलब होता है कि जहां पर हम इतने रेवेन्यू तो कमा लें कि हमारी कॉस्ट के बराबर हो जाए। अरे चलिए ठीक है, कोई भी आदमी जब काम शुरू करता है तो वो ये नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में ही मुझे प्रॉफिट हो जाए, चाहता तो है वो प्रॉफिट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्टार्टिंग में उसका फर्स्ट मोटिव ये होता है, यार बस दुकान चल जाए, सर्वाइवल हो जाए, मतलब केवल हमारा क्या निकल जाए, जेब खर्च निकल जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स का सबसे पहला काम है कि वो सर्वाइवल को इंश्योर करें, सर्वाइवल को ध्यान में रखें। चलिए बेटा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, ढंग से सुनना बेटा जी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। देखो, पहले ऑर्गेनाइजेशन को इतना तो ध्यान रखना है कि सर्वाइवल हो जाए। सर्वाइवल को आप ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, सर्वाइवल रेफर्स टू इवन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। जैसे कोरोना आया, कोरोना में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर पा रही थी, तो सब ऑर्गेनाइजेशन का या सभी मैनेजमेंट का यही मोटिव था कि यार कम से कम सरवाइव तो कर जाएं, इस कोरोना के दौर से आगे तो निकल जाएं, बच्चे रहेंगे तो प्रॉफिट कमा लेंगे। दैट मींस वो अपनी कॉस्ट कवर करना चाह रहे थे, तो मैनेजमेंट सबसे पहले फोकस अपनी कॉस्ट पे करेगा। उसके बाद सर कोरोना का दौर चला गया, मान लो हम आगे आ गए, तो सर अब ऑर्गेनाइजेशन फोकस किस पे करे, प्रॉफिट पे। दैट मींस अब हमें ध्यान ये देना है कि हमारे रिवेन्यू ज्यादा होने चाहिए हमारी कॉस्ट से। जितने भी रिवेन्यू हमारी कॉस्ट से ज्यादा रहेंगे, उतना हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को किस पे ध्यान रखना है, पहला तो सर्वाइवल पे ध्यान रखना है, फिर उनको प्रॉफिट पे ध्यान रखना है। बेटा जी, इसेंशियल इंसेंटिव फॉर द
सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। तो सर सिंपल सी बात है, अभी कोरोना में हम रिस्क ले रहे थे या कोरोना के अलावा कोई नया बिजनेस है तो स्टार्टिंग में तो रिस्क ही लेता है, तो जो आपने रिस्क लिया है, आप एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव किया है आपने, तो उसके बाद हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला काम सर्वाइवल को इंश्योर करना है, दूसरा काम आपको प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना है, साथ में जब हम प्रॉफिट कमाने लगेंगे, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा जी प्रॉफिट कमाने लगेगी, तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट कमा कमा के हम क्या चाहते हैं, ग्रोथ करना। तो अब हमारे मैनेजर्स प्रॉफिट की तरफ भी आ गए हैं, सर्वाइवल वो निश्चित कर ही चुके हैं, तो अब हमारा ध्यान होगा ग्रोथ की तरफ। ग्रोथ मतलब हम आगे बढ़ते रहें, हमारी रैपिड ग्रोथ होती रहे, सर हमारी ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा ओपन हो, हमारा रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ग्रोथ किसी भी टर्म में हो सकती है, ग्रोथ का मतलब हम अपना सेल्स को बढ़ाना हो सकता है, ग्रोथ का मतलब हमें अपनी नई ब्रांचेस को ओपन करना हो सकता है, ग्रोथ किसी भी टर्म में हो सकती है। ग्रोथ होनी चाहिए तो हमारी सेल इंक्रीज हो जाए, सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर्स या एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाए, इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बढ़ जाए, और इंक्रीज इन द कैपिटल एटसेट्रा, किसी भी टर्म में हो हमें ग्रोथ अपनी इंश्योर करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमें बोलना है, मैनेजर्स के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि उन्हें सर्वाइवल का ध्यान रखना है, उन्हें प्रॉफिट का ध्यान रखना है, एंड द लास्ट वन इज उन्हें ग्रोथ का ध्यान रखना है। अब बेटा जी हमारे दूसरे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो क्या सोशल ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का? तो बेटा जी पहला ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं उस सोसाइटी के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जिन जिन लोगों को भी जरूरत है, जो जो नीड है, जो सोसाइटी का नीडी सेक्शन है, भैया आपको सोसाइटी के नीडी सेक्शंस को जॉब ऑफर करनी चाहिए। सर सिंपल सी बात है, सोसाइटी से ही तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई आएंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जिस सोसाइटी में वो रन कर रहे हैं वहां के लोगों को जॉब ऑफर करना चाहिए, ये भी एक मैनेजमेंट को ध्यान रखना है, जो कि उनका पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है या एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा सर और क्या ध्यान रखेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, उसकी प्रॉफिट अर्निंग बहुत अच्छी है, तो वो ये भी ध्यान रखे कि प्रोवाइड करे बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक जरूरत है सोसाइटी की उनको भी पूरा कराए। जैसे वहां स्कूल नहीं है तो स्कूल वगैरह की व्यवस्था कराए वहां के लोगों के लिए। सर इसी तरीके से उन्हें पूजा वूजा करने में दिक्कत होती है तो चर्च या टेम्पल्स, ठीक है, चर्च बनाए, ठीक है, या बेटा जी वहां पर टेम्पल्स बनाए, तो चर्च और टेम्पल्स पूजा करने के लिए, सर इबादत करने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराएं। सर साथ में मेडिकल फैसिलिटीज, अगर वहाँ मेडिकल की अच्छी व्यवस्था नहीं है बेटा जी, तो मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कराएं। तो सोसाइटी के सेक्शन को पहले आपको नीडी लोगों को जॉब ऑफर करानी है, जॉब प्रोवाइड करनी है, फिर सोसाइटी में अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के बाद कुछ बेसिक एम्यूनिटीज की नीड है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का ये भी फर्ज है कि उन चीज़ों को भी वो ध्यान रखे, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा भैया आप प्रॉफिट तो कमा लो, आप ऑर्गेनाइजेशन में आगे तो बढ़ लो, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड जो है प्रोडक्शन के उनको यूज करना। भाई ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वायरमेंट के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही ना करे, केवल उसका ध्यान तो अपने प्रॉफिट की तरफ है, उसके लिए वो चीफ मेथड यूज कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सोसाइटी के लिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो बेटा जी मैंने आपको यहाँ पर तीन बताए हैं, जैसा कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बोलता ही हूँ, तीन बेटा जी आपको होमवर्क क्या, तीन आपके लिए ये हैं और तीन आपको और सर्च करके लाने। देखो जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे, जब तक आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपकी रिसर्च भी इसमें एड ऑन हो जानी चाहिए। तो आप भी सोचेंगे सोसाइटी के लिए और क्या नीडी हो सकता है, जैसे फेयर प्रैक्टिसेस करें, जैसे ब्लैक मार्केटिंग ना करें, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, तो इस तरीके के और भी सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। अभी मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, इसी तरीके से आप सोचें, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर अभी दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा से जाके गूगल बाबा से पूछ लेना, वहां ढूंढ लेना और फिर आके यहाँ कमेंट करना। चलिए जी सर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी आगे अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं,
तो अब हम बात करते हैं अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। बेटा जी, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज से रिलेटेड। ठीक, ये वाले ऑब्जेक्टिव जो है बेटा जी हमारे एम्प्लॉइज से रिलेटेड है, यानी कि वो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नहीं सोसाइटी का ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को केवल अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मैनेजमेंट मैनेजर रखे ऑर्गेनाइजेशन ने, तो पहले तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ भी ध्यान देगा, फिर उसे सोसाइटी की तरफ भी ध्यान देना है। तो भैया उन लोगों को मत भूल जाना जो आपके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो लास्ट वन आपको ध्यान रखना है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो अपना टाइम ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करना है। तो सर इसका मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है गिविंग द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को क्या क्या देना है आपको, गुड वर्किंग एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट उनको प्रोवाइड करना है बेटा जी कि वो आराम से काम कर पाए, हेल्दी एनवायरमेंट होना चाहिए, चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। देखो अगर उन्हें लगेगा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में उनके ग्रोथ के चांसेस हैं, अगर उन्हें लगेगा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में उनका फ्यूचर है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कभी लीव करके नहीं जाएंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है इधर ग्रोथ और प्रमोशन के काफी चांसेस हैं, तो वो आपसे जुड़े रहेंगे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर क्वालिटी वर्कर ही नहीं रहेंगे आपके पास, वो आपसे सीखेंगे और छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा साइन नहीं माना जाता है। सर साथ में गुड सैलरी वगैरह इंसेंटिव, गुड सैलरी इंसेंटिव फैसिलिटीज और भी लिख सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसी तरीके से तीन आप और मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अभी सोच सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा, उसे बोनस दे देंगे तो अच्छे से काम करेगा, इंसेंटिव दे देंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे देंगे, हम सर उसको आने जाने के लिए कन्वेंस अलाउंस वगैरह दे देंगे, या फिर उसे फ्री में रहने के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन दे देंगे, या किराए पे रहता है तो किराए के पैसे दे देंगे, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस दे देंगे। तो अगर इस तरीके की फैसिलिटी आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो आपसे जुड़े रहेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, वो कहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। साथ में रिकग्निशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी में उसकी पहचान होनी चाहिए, सोसाइटी में अगर उसकी पहचान होगी तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे गूगल का एम्प्लॉई अगर कहीं जाता है सोसाइटी में तो लोग इशारा करते हैं ये गूगल का एम्प्लॉई है, ठीक है। जैसे कोई सीए है तो लोग इशारा करते हैं ये सीए हैं भैया, कोई डॉक्टर है तो कहते हैं ये डॉक्टर है, तो ये रिकग्निशन है, उनकी पहचान है। तो अगर एम्प्लॉई को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहचाना जाएगा, रिकग्नाइज किया जाएगा, तो भी लोग आपसे जुड़े रहेंगे कि हमें सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, तो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। चलिए जी अब हम आगे बात करते हैं बेटा जी कि मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अब हम ये ढूंढ रहे हैं इसका जवाब। अब हमें देखना है क्या मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस होती है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, ढंग से पढ़ेंगे बेटा जी कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, आर्ट मतलब एक आर्टिस्ट वाला काम, कोई काम जैसे ये यहाँ गिटार बजा रहे हैं भाई साहब, ये और कुछ बजा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बजा रहे हैं, तो सर ये जो बजाने वाले हैं तो क्या आर्ट है इस तरीके से? सर इसी तरीके से क्या ये साइंस है, ये मैडम जो है ये कुछ लैब टेस्ट वगैरह कर रही है, तो क्या मैनेजमेंट में कुछ ऐसी टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं क्या, क्या मैनेजमेंट में हम ऐसी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं क्या, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है जिसके लिए कोई डिग्री विग्री की जरूरत होती है, बिना डिग्री के कोई एंट्री नहीं ले सकता, क्या ऐसा कुछ मैनेजमेंट में देखने को मिलता है? तो इन्हीं सवालों का अब हम जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या मैनेजमेंट में ऐसा है या नहीं है। तो ये जानने के लिए उससे पहले हमें जानना पड़ेगा आर्ट क्या होती है, साइंस क्या होती है, और प्रोफेशन क्या होता है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, जैसे कि देखो जी एक तरफ हमने लिख दिया मैनेजर, एक तरफ हमने लिख दिया आर्टिस्ट। ठीक, आर्टिस्ट मतलब आर्ट को लेकर हमने लिख दिया कलाकार, हिंदी में आर्ट को क्या बोलते हैं, कलाकार। तो एक तरफ हमने कलाकार लिख दिए, एक तरफ हमने अपने मैनेजर लिख दिए। अब हम ये सोच रहे हैं कि भैया ये हमारे मैनेजर्स और ये हमारे कलाकार क्या एक जैसे ही हैं, क्या दोनों की टेक्निक्स एक जैसी ही हैं, क्या हम इनको एक दूसरे का सिमिलर मान सकते हैं कि जैसे कलाकार होते हैं ऐसे ही मैनेजर होते हैं, तो क्या मैनेजर भी कलाकार ही होते हैं? तो इसका हमें जवाब ढूंढना है बेटा जी, अब वो जवाब हम आगे ढूंढ कर रहेंगे। चलिए इसे जानने के लिए पहले हम पढ़ते हैं कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है। तो बेटा जी आर्ट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसी पे फोकस करते हैं। सर कोई भी स्किलफुल, ठीक, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन,
कैसी पर्सनल एप्लीकेशन जो किस पे बेस्ड है, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज पर बेस्ड है, किसी ऑब्जेक्टिव को या डिजायर रिजल्ट को अचीव करने में। सर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टैलेंट है, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक बेटा जी, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को यानी कि उस स्किल को आप पर्सनल एप्लीकेशन, ठीक, पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब हो गया अपने हिसाब से, ठीक, अपने हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करके, अपने हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करके अगर रिजल्ट अचीव कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं आर्ट। यानी कि मेरे पास कोई स्किल है सर पढ़ाने का, मुझे कोई टॉपिक आपको समझाना है, मेरा रिजल्ट क्या है, मुझे रिजल्ट आपको ये देना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक मुझे आपको डिलीवर करना है, समझाना है, ठीक, उसकी नॉलेज मेरे पास है, तो अब मुझे ये स्किल चाहिए कि आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझाएंगे, तो मैं किस तरीके से आपको समझाऊं, किस मेथड का यूज करूं, दुनिया भर के मेथड का मैं यूज कर सकता हूं, तो उसको बोलते हैं आर्ट। यानी कि टीचिंग भी तो एक आर्ट है कि मुझे अपनी बात, अपने आइडिया तुम्हारे दिमाग में फिट करने हैं ताकि तुम्हें वो लर्न रहे। तो सर कोई भी ऐसा काम जिसमें आप अपने हिसाब से अपनी स्किल को यूज करके किसी डिजायर रिजल्ट को अचीव करते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, जिसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। याद रखना है ये शब्द, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अपने हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो इसी खुशी में अब हम पढ़ लेते हैं बेटा जी कि मैनेजमेंट में आर्ट है या नहीं है, मैनेजमेंट को आर्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। इससे पहले हमने जो डेफिनेशन लिखी है उसके आधार पे हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर निकले। तो पहली बात, मैनेजमेंट क्या है, ये आर्ट, सॉरी, मैनेजमेंट एज आर्ट में हम पहले बात कर रहे हैं कि फीचर ऑफ आर्ट क्या है। सर आर्ट के फीचर ये हैं जो अभी आपने बताया था डेफिनेशन में, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल नॉलेज, आपके पास जो नॉलेज है आप उस नॉलेज को अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। भाई मुझे एक किसी बात को, किसी कॉन्सेप्ट को आपको डिलीवर करना है, समझाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगी, क्रिएटिविटी। मेरी क्रिएटिविटी के हिसाब से ही तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड करोगे, विजुलाइज करोगे। और इसके लिए ऐसा नहीं है मैं एकदम यहाँ आऊं और आपको बताना चालू कर दूं, सर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। तो अगर किसी काम को करने के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, क्रिएटिविटी यूज करते हैं और अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन यूज करते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करते हैं, ठीक, अपने हिसाब से आप उसको कर लेते हैं, ऐसा कोई इम्पोज नहीं कर रहा कि मेरे हिसाब से ही करना, आप उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेंस, इसको आप, अभी इधर हमने थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है, आप इसको एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज भी लिख सकते हैं बेटा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपको याद कराना था कि आर्ट के फीचर्स क्या होते हैं। आर्ट के फीचर होते हैं बेटा जी पीपीटी, तो हमें ये शॉर्ट कोड में आपको याद कराना है कि आर्ट के फीचर क्या होते हैं, पीपीटी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी और थेरेटिकल नॉलेज, ये तीन चीज आर्ट में दिखाई देती हैं। तो अगर पेपर में आपसे पूछे कि आर्ट क्या है, आर्ट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको ये लिखना है। लेकिन अगर पेपर में आपसे पूछे क्या मैनेजमेंट आर्ट है, तो आपको इन तीन हेडिंग्स को जो अभी हमने बोला है, दैट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन, दैट इज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको ढूंढना है क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है। अगर होता है तो इसका मतलब मैनेजमेंट में आर्ट्स के फीचर अवेलेबल हैं, तो हम बोल देंगे हाँ जी मैनेजमेंट भी आर्ट है। तो सर ये भी आपने पढ़ा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनको आप कॉपी कर लेंगे कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है, याद रखने के लिए पेपर में एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी क्या है। तो ये तीन जो फीचर्स हैं अब हम ये देख रहे हैं क्या ये मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं। बेटा जी आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख सकते हैं, इनको जरूर लिख के रखिएगा, और कीवर्ड जो ये रेड वाला एरिया है इसको तो आप जरूर याद रखेगा कि किस तरीके से हम इनको कंपेयर करें। चलिए आगे, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल। सर अब हम ये देख रहे हैं क्या ये वाला फीचर आर्ट्स में अवेलेबल, आर्ट्स का ये वाला फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है। चलिए देख लेते हैं, देखिए, टू मैनेजर्स यूज द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इन टोटली डिफरेंट वेज, लाइक अ टू सिंगर और टू पेशेंट। कह रहा है
जब दो सिंगर को आप एक ही गाने पे डांस करने के लिए खड़ा करेंगे तो हो सकता है दोनों अलग अलग तरीके से डांस कर रहे हो। सर गाना तो एक ही चल रहा है, बीट तो एक ही बज रही है, लेकिन एक ही बीट पर एक ही चीज को दिखाने के, एक्सप्रेस करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। तो इसी को तो बोलते हैं सर एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल, कि हम अपने पर्सनल स्किल के हिसाब पे अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे दो मैनेजर का काम करने का तरीका अपनी नॉलेज के आधार पर, अपनी एप्लीकेशन के आधार पर, अपना निजी आधार पर अलग अलग हो सकता है, इसी तरीके से दो आर्ट्स वाले लोगों का यानी दो एक्टर्स का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब आर्ट में हम अपनी किसी भी चीज को, हम उस चीज को आर्ट बोल देते हैं जिसमें करने का तरीका हमारा अपने हिसाब से हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हो। सर एक गाने पे, एक ही गाने पे चार आदमी डांस कर रहे हैं, चारों अलग अलग तरीके से डांस कर रहे हैं, ठीक है, बीट एक ही चल रही है, तो कहने का मतलब सभी अपनी पर्सनल स्किल को यूज कर रहे हैं ना। सब क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द पर्सनल स्किल। तो इसी बेसिस पे वो बोल रहे हैं काम मैनेजमेंट का एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, लेकिन अचीव करने के दो मैनेजर्स के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो हाँ मैनेजर भी ऐसा करते हैं, सब मैनेजर के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कहते नहीं मूवी फिल्मों में डायलॉग भी तो हम आदमी को दूजे किस्म के हैं, हमारा काम करने का तरीका औरों से न्यारा है, अलग है। तो वो यही तो बता रहे हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मूवी वूवी देखा करो तो लिंक कर लिया करो, चीजों को इंटीग्रेट कर लिया करो, अच्छा लगता है। अच्छा आप दूजे किस्म के आदमी हैं, आपका तरीका कुछ अलग है, तो सर मैनेजर्स, दो मैनेजर्स का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो हाँ जी हम कह सकते हैं, हम इजिली आराम से कह सकते हैं, कहाँ चले गए हम, तो हम इजिली ये बात कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं बेटा जी।